हेलो, हाँ स्क्रीन दिख रहा है? दिख हेलो, रहा है। एवरीवन प्लीज गिव मी अ मिनट। ओके, आई हैव ओके टू सेट माय माइक एंड समथिंग इज नेटवर्क प्रॉब्लम, सो दैट इट टेक्स ओनली अ मिनट ओनली, सो बी भाई तो भाई थैंक यू एवरी वन फॉर कॉपरेटिंग। सो वी विल स्टार्ट विथ आवर इनसिक्योरिटी सेशन। ओके, सो 2 दिन से हमने रिपीट किया है कि इनसिक्योरिटी के पार्ट में मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो अभी तक तो आपको आइडिया आ जानी चाहिए। सो मैं आपको कुछ क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ प्रैक्टिकल परफॉर्म करते टाइम पे। ठीक है, साइमल्टेनियसली जब प्रैक्टिकल परफॉर्म होगा तो बी इंटरेक्टिव। ओके, सपोज मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तो वन बाय वन आप आंसर देने का ट्राई करो। ठीक है, थोड़ा बहुत भी आता है तो भी ट्राई कर देना। ठीक है, यस सो प्रीतेश अपना टर्मिनल ऑफ करो। कंट्रोल एल करो। ओके, सो एक फाइल बनाना है हमें नैनो से। फाइल क्रिएट कर दो एक। कल के जैसा डेटा डाल दो उसमें। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ कौन सी मशीन है सर? अच्छा ये गेटवे का मशीन है क्या सर? चेक करना नहीं, पड़ेगा, इनका अभी तक चेक सीएम किया नहीं। है, इनका सीएम का मशीन है श्रीकांत भाई। एक मिनट चेक करना पड़ेगा। वेट वेट करो। ठीक है, म्यूट पे रहो सब लोग। चेक करना है, अभी हमने फाइल बनाई है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, सीडी करो। सीडी स्पेस दो, फॉरवर्ड स्लैश दो, DFS करो, टैब दो। कुछ नहीं आ रहा है क्या? यहाँ पे रोल्स में जाओ, आपके क्लाउडेरा मैनेजर के इंटरफेस में रोल्स में जाओ। 02 आपका सीएम का है, गेटवे का सीएम की मशीन मशीन है ये। है। आपका जो गेटवे मशीन है 194 आपने रखा है, राइट? नहीं, ये आपने यहाँ पे ऐड किया है 101। अधुक का गेटवे ऐड नहीं है, यान होगा अधुक का। डेटा नोड पे ऐड किया सर, गेटवे हाँ, वालों डेटा नोड पे ऐड किया है इन्होंने ऑलरेडी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए हम कर देंगे, लेकिन
in future, suppose if you are deploying the cluster, then don't take this data node on gateway machine. Okay, तो इसमें कैसे आपने gateway रखा है यहाँ पे HDFS के gateway में, last में देखो 101 पे, प्रीतेश मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ आपने क्या किया है, हाय गाइस मैं जो बात कर रहा हूँ ना तो प्लीज आप म्यूट पर रहना, जब मैं बोलूंगा क्वेश्चन करूंगा तो ही मतलब कर देना, ठीक है? तो सब लोग ऐसे आवाज करेंगे ना तो 50 पार्टिसिपेंट है तो बहुत यहाँ पे केओस हो जाएगा, ठीक है? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीथिंग, ओके? आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दिस सेशन इन अ फ्लुएंट वे, ओके? सो ये बेटर होगा, आप म्यूट पे रहो, जब क्वेश्चन किया जाएगा तभी आप आंसर देना, ठीक है? सो यहाँ पे HDFS गेटवे है 101 के मशीन पे, प्रीतेश आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? एंड हायू का गेटवे है आपका 101 पे, यान का गेटवे है आपका 101 पे, सो ये आपका गेटवे मशीन है। अगर आप प्रीतेश फिर आगे चल के ऐसे बनाएंगे ना तो गेटवे के मशीन पे आपका डेटा नोड मत आने देना, ठीक है? सिर्फ गेटवे के मशीन पे गेटवे रहेगा और जू कीपर आप डाल सकते हो, ठीक है? तो आगे से याद रखना, फिलहाल कॉपी कर लो क्योंकि इनसिक्योरिटी का पार्ट रह जाएगा अगर इसको ठीक करने को जाएंगे तो, करने को ठीक कर सकते हैं इसको, ये डेटा नोड को डिलीट करना पड़ेगा फिर यहाँ पे, ठीक है? तो लेकिन उसमें टाइम चला जाएगा, सो कॉपी कर लो इसको और टर्मिनल पे आके SSH कर दो, कंट्रोल सी करो, SSH -i, हाँ वो कर दो, उस मशीन पे जाओ, चाबी है ना आपकी, चाबी दो उसमें, हाइफन आई के आगे जो भी की है आपकी .pem वाली वो की पेस्ट करो दो, यहाँ पे चाबी नहीं होगी लेकिन आपकी, करो एंटर करो, देखो यस करो, 102 परमिशन देना है, ठीक है? परमिशन क्यों देना है यार, चाबी को परमिशन दी है क्या? 400 करो, CH मोड करो, मैंने चाबी नहीं भेजी, चाबी नहीं भेजी क्या? ठीक है चाबी भेज दो इस पे 102 पे, परफेक्ट, इसे CH मोड करो, वो ऊपर वाला जो कमांड है ना अभी, अपैरो करो, SSH वाला कमांड लो और 101 पे आ जाओ, कंट्रोल L करो। तो एवरीवन आप, हमने क्या किया है, ये गेटवे का मशीन अप किया है, ठीक है? फिलहाल अभी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल बना दो, नैनो फाइल करो, वही फाइल बना दो, NaNo, स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है? सो अभी क्या करो, यहाँ पे ls करो, यहाँ पे लिखो हदूप fs, यम हटा दो, हदूप fs -ls /। हेलो श्रीकांत सर। हाँ बोलिए। अभी अपन मतलब की लेते हैं और SSH करके दूसरे मशीन पे जाते हैं ना तो एक एरर आता है, बैड ओनर और परमिशन ऑन होम सेंटोस डॉट SSH कंप्यूट बोल के, क्यों आता है? आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉन्फिग का फोल्डर होता है ना वो आपको परमिशन उसकी चेंज करनी पड़ेगी, पासवर्ड लिस्ट लॉग,
हाँ कॉन्फिग फाइल है वहाँ की परमिशन चेंज करनी पड़ेगी तो वो आपको अलाउ कर देगा। सीएच मोड करो 600 करो आप, एंड वो जो आपको पाथ दे रहा होगा ना यूजर सीएच मोड वो कॉन्फिग का, वो पूरा कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दो। फिर सीएच मोड 600 से क्या होगा वो आपको एग्जीक्यूट करने देगा, ठीक है? जैसे सीएच मोड वो आपका एरर सॉल्व हो जाएगा, ठीक, थैंक यू। परमिशन चेंज करनी पड़ेगी कॉन्फ़िग फाइल की आपको, बस इतना ही है। हदूप पे -ls एलएस फॉरवर्ड स्लैश एंटर करो। अभी एलएस करो, ठीक है? आप देखो यहाँ पे देखो, ठीक है? सब लोग मुझे बताओ, ये जो हमने एलएस किया है ना, स्टार्टिंग में एलएस किया, फिर सेकंड टाइम में एलएस किया, ठीक है? हदूप -ls फॉरवर्ड स्लैश, तो ये दोनों एलएस में फर्क क्या है मुझे वो बता दो पहले। हडूप का फाइल सिस्टम है और एक लोकल फाइल सिस्टम है। तो इन्होंने बताया ना, जो हमने प्लेन एलएस किया है, ठीक है, ओनली एलएस करके एंटर जो किया है, एंड हमें रिजल्ट क्या मिला उसका, हमें यहाँ पे यह जो हाईलाइट किया है ना इन्होंने वो देखो। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिला है, ये जो फाइल सिस्टम हमारी लोकल फाइल सिस्टम है, सेंटोस का यूजर है, ठीक है हमारा। तो सेंटोस का यूजर बैश पे जो जो आपका फाइल है वो आपको सब दिखाएगा, उसमें हमने फाइल जो क्रिएट की थी बैश के हेल्प से, तो दैट फाइल इज ऑल्सो इट इज शोइंग अस, ओके? तो ये रिजल्ट हमारा लोकल फाइल सिस्टम का है। अब अभी भी किसी को क्लियर नहीं है ना तो ये ध्यान में रखो, क्योंकि ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है? और ये जो हमने नीचे हदूप एफएस हाइफन एलएस किया है, दोनों भी एलएस ही कमांड है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है हमने, हदूप के क्लाइंट को पूछा है। यहाँ पे ये जो दूसरा कमांड यहाँ पे हाईलाइट करो, प्रीतेश हदूप एफएस वाला, वो यहाँ पे हमने क्या किया है, हदूप एफएस हाइफन एलएस बोला है, यानी के वी आर टेलिंग आवर हदूप क्लाइंट, हदूप का मतलब हदूप क्लाइंट को हम पूछ रहे हैं एफएस यानी के फाइल सिस्टम पे जाके हाइफन यानी के जेवीएम, क्योंकि हदूप के सारे डीमन जावा पे वर्क करते, ठीक है? हदूप के डीमन कौन से है, नेम नोड है, सेकेंडरी नेम नोड है, वो सब आपको पता है अभी, ठीक है? डेटा नोड है, तो ये हदूप के जो डीमन है वो सारे आपके जेवीएम पर काम करते हैं। तो हाइफन यानी के जेवीएम के ऊपर जाके एलएस कर यानी के लिस्ट कर, ठीक है? जो भी डायरेक्टरी है वो लिस्ट कर, ठीक है? वो कहाँ पे जाके हदूप के क्लाइंट को बोल रहा है वो। सो हदूप के क्लाइंट को बोल रहा है कि एफ एस यानी के हदूप का क्लाइंट है एफ एस यानी के फाइल सिस्टम, हाइफन एलएस यानी के जेवीएम पे जाके आप जो भी फाइल है वो दिखा, तो हदूप के क्लाइंट वो क्या करेगा, फिर क्या दिखाएगा आपको, रिजल्ट, हदूप का रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है? तो ये डिफरेंस क्या है अभी क्लियर होना चाहिए आपको सबको, ठीक है? तो जिसकी प्रैक्टिस नहीं किया, किसी ने किसी को क्लियरिटी नहीं है, तो आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे इनसिक्योरिटी में ये अगर क्लियर नहीं होगा ना तो आगे फिर मैं बताऊंगा तो क्लियर नहीं हो पाएगा आपको। ये एलएस जो ऊपर का है वो लोकल फाइल सिस्टम का रिजल्ट दिखा रहा है, और जो नीचे का है ना ये हदूप क्लाइंट एफएस हाइफन एलएस, तो ये हदूप के फाइल सिस्टम में जो रिजल्ट है वो हमें बताएगा, मतलब क्लस्टर पे जो नेम, अभी ये यूजर है तो ये नेम नोड का डेटा होगा इसमें, ठीक है? तो इसमें जो आपका डेटा है वो सब हदूप के क्लस्टर के ऊपर जो फाइल्स है, दैट फाइल्स इट इज शोइंग अस, ओके? ये हदूप का रिजल्ट है, ये आप क्लियर कर दो पहले। तो ये नीचे का हदूप का रिजल्ट है, ऊपर का लोकल फाइल सिस्टम का रिजल्ट है। सपोज अभी हमने ये जो सेंटोस यूजर है, सेंटोस एट द रेट लिखा है ना, सपोज ये सेंटोस यूजर है, तो ये सेंटोस के यूजर को, ये सिस्टम का यूजर है, ठीक है? मतलब सेंटोस जो सिस्टम आपने लोकल फाइल सिस्टम लिया है, ये सेंटोस का यूजर, इसको कितना एक्सेस होना चाहिए, इसको सिर्फ अपने जो फाइल सिस्टम है, मतलब एलएस करके इसने जो फाइल देखा ना, तो अगर इसको कोई फाइल क्रिएट करनी है, कोई फाइल अपडेट करनी है, या कोई फाइल डिलीट करनी है, या कोई भी फाइल रिलेटेड ऑपरेशन करना है, या फिर कुछ भी परफॉर्म करना है टास्क उसको, तो ये सेंटोस यूजर या फिर कोई भी यूजर है वो फाइल सिस्टम पे कर देगा, तो वो कोई अपने को ये नहीं है, ठीक है? सो वी डोंट माइंड दैट इफ सेंटोस यूजर इज डूइंग परफॉर्मिंग एनी टास्क लाइक क्रिएटिंग फाइल, डिलीटिंग फाइल, और अपडेटिंग एनी फाइल, और डूइंग एनी जॉब, देन वी डोंट माइंड, ओके? बिकॉज ही इज रनिंग द जॉब ऑन द लोकल फाइल सिस्टम। लेकिन अगर वो हदूप के फाइल के सिस्टम पे जाके वो अगर पूछ रहा है कि मेरे को दिखा, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि क्यों ठीक नहीं है, बिकॉज वी आर एट अ एडमिन रोल। सो सपोज अगर हम एडमिन लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमें ये सेपरेट करना पड़ेगा सिस्टम का यूजर और हदूप का यूजर, यानी कि आपके हदूप में जो लॉग इन करेगा, ठीक है, हदूप के फाइल सिस्टम जो चेक करेगा एग्जीक्यूटिव,
तो कोई ना कोई एम्प्लॉय करेगा, ठीक है। आप ऐसे भी कोई भी यूजर को एक्सेस नहीं देंगे ना। सपोज आपका कोई डेटा एनालिस्ट है, हाईवे पे काम करने वाला एक एनालिस्ट है, उसका यूजर है, सपोज नाम है उसका प्रीतेश, ठीक है। तो उसका प्रीतेश का नाम है, उसे हम प्रॉपर ऑथेंटिकेट करेंगे, यानी कि उसको एक पर्टिकुलर आईडी होगा या फिर की होगा या फिर एक्टिव डायरेक्टरी या फिर केडीसी के लैंग्वेज में टिकट बोलते हैं उसको, तो उसके पास एक पर्टिकुलर वैलिड ऑथेंटिकेटेड और वैलिड टिकट होगा, ठीक है, अनएक्सपायर्ड वैलिड टिकट होगा, जो कि उस टिकट के हेल्प से हडूप के फाइल सिस्टम पे लॉग इन कर पाएगा। तो हाइव जो एनालिस्ट है उसको जो पर्टिकुलर रोल बेस्ड उसका जो काम है, मतलब वो हाइव पे काम कर सकता है, जो भी क्यूरी फायर है वो परफॉर्म कर सकता है, सो वो ऑथेंटिकेटेड होगा, उसके पास टिकट होगा और वो लॉग इन कर रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने उसको टिकट दिया है। लेकिन अगर कोई भी यूजर है वो हाइव पे जाके अगर परफॉर्म कर रहा है, तो ये हमारे फाइल सिस्टम को थोड़ा शॉकिंग है ना, मतलब हमारे फाइल को मैनिपुलेट कर रहा है या फिर फाइल में कुछ हेर फेर कर रहा है, तो ये ऐसा नहीं चलेगा ना, क्योंकि फाइल्स जो आपके हडूप सिस्टम पे होगी होती है, ऐसा नहीं है कि कोई लॉग फाइल है या फिर कोई ऐसे पर्टिकुलर रैंडम डेटा रखा है आपने जो कि कोई भी एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा ऐसा तो नहीं करेंगे आप। कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा, इसलिए तो हम मतलब इतने बड़े क्लस्टर पे जॉब कर रहे हैं हडूप का, ठीक है। तो उसको सिक्योर करने के लिए जो ऐसे सेंटोस का यूजर होगा उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तो ये पहले तो इनसिक्योरिटी समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि मतलब ये सेंटोस आपका वहां पे जाके देख रहा है, तो ऊपर जो आपने कमांड डाली है ना हडूप पेपर्स हाइफन एलियस, ये आपका एक सिस्टम का यूजर है, ये आपका हडूप का यूजर अभी तक नहीं है, ठीक है, फिर भी ये देख पा रहा है, आप ऐसा एज्यूम करो, क्योंकि जब आगे चल के सिक्योरिटी का सेशन होगा आपके, तो ये जो सेंटोस है वो वैसा रिजल्ट अगर एंटर करेगा तो उसको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इन केस उसके पास टिकट नहीं है इसलिए, ठीक है। सो अभी क्या करेगा, अगर सपोज अभी इसमें सेंटोस यूजर है, ठीक है, तो आपको एक मैं दूसरा यूजर ऐड यूजर करके देखेंगे, जैसे कि कल देखा था, तो सूडो हाइफन आई करो, रूट फोल्डर में जाओ, यहाँ पे कोई भी एक यूजर तैयार करो ऐड यूजर से, नहीं नहीं ऐड यूजर हटा दो, पहले सूडो हाइफन है एंटर करो, अभी करो ऐड यूजर, आपका नाम डाल दो। श्रीकांत सर अभी हम लोग कौन से मशीन पर आइए? ये गेटवे मशीन पे हम, ठीक है, अभी ऐड यूजर किया हमने, तो ये यूजर ऐड हो गया, ठीक है प्रीतेश। सब उसका आईडी वगैरह सब कुछ डिटेल चेक करनी है, परमिशन क्या है इसके पास, तो आपके पास हमारे पास एक पासवर्ड फाइल है, तो ईटीसी पासवर्ड में जाके चेक कर सकते हैं आप, कि कैट ईटीसी पासवर्ड करो, कैट ईटीसी पासवर्ड एंटर करो, हाँ, तो ये लास्ट में दिख रहा है आपको स्पार्क यू प्रीतेश, तो यहाँ पे हमने जो यूजर बनाया उसका देखो आईडी है, यूजर आईडी 1001, उसकी पाथ भी आपको दिखा रही है, बिन बैश सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। कंट्रोल एल करो, ये हमारा यूजर ऐड हो गया, ठीक है। सो इन लिनक्स, लिनक्स के फाइल सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, एक फाइल होती है, ठीक है, वी आई सूडो नाम की, तो वी आई सूडो सूडोवर्स की फाइल है, उसमें क्या होगा, अगर कोई यूजर है उसे कोई प्रिविलेजेस असाइन करना है, सो बाय यूजिंग दैट वी आई सूडो फाइल यू कैन इंक्रीज द प्रिविलेजेस, अदरवाइज यू कैन allocate the privileges to any users. So VI Studio में चले जाओ, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रीतेश है उसको privileges assign करेंगे, ठीक है, Studio scroll down करो, यहाँ पे पढ़ लो सेम थिंग विदाउट पासवर्ड व्हील ऑल नो पासवर्ड ऑल, तो व्हील नाम का ग्रुप है, ठीक है, इसके ग्रुप में जो जो यूजर ऐड होंगे तो उनको विदाउट पासवर्ड सारी परमिशन ऑल ऑल दिख रहा है ना, सारी परमिशन अलाउड होंगी, ठीक है, इसका कहने का मतलब ऐसा है। तो यहाँ पे कमेंट था, मतलब वो रीड नहीं करता था, लेकिन अभी ये कमेंट हटा दिया तो ये नो पासवर्ड से इसको रीड करेगा इस फाइल को, तो
वी आई सोडो क्या करता है मैंने अभी आपको बताया। वी आई सोडो इज यूज टू गिव द प्रिविलेजेस टू यूजर्स, तो यूजर को प्रिविलेजेस देने के लिए काम में आता है। सो नाउ वी आर अनकमेंट वी अनकमेंटेड टू द व्हील, मतलब यहाँ से बाहर आ जाओ, एस्केप दबाओ कोलन और डब्ल्यू के दबाओ, वी आई की फाइल है तो एस्केप दबाओ कोलन दबा के डब्ल्यू क्यू करो। हाँ ओके ग्रेट। सो अभी हमने क्या किया है, ये जो प्रीतेश है ना, प्रीतेश हमने यूजर बनाया, तो ये प्रीतेश को व्हील के ग्रुप में ऐड भी करना पड़ेगा। अगर वो व्हील के ग्रुप में ऐड करेगा तो उसको सारे प्रिविलेजेस मिल जाएंगे, मतलब वो रूट बन जाएगा, ठीक है। वो कमांड डाल दो यूजर मोड, स्मॉल में लिखना यूजर मोड स्पेस हाइफन ए जी स्मॉल ए कैपिटल जी प्रीतेश लिखो। हाइफन ए जी के आगे व्हील लिखो, व्हील डब्ल्यू एच डबल व्हील लिखो। व्हील करो व्हील एंटर कर दो। यहाँ पे आईडी डालो, आईडी एंटर करो, यहां से एग्जिट करो। सुडो सू प्रीतेश करो, सीडी करो, एंटर करो। हाँ अभी आईडी डाल के एंटर करो। ओके सो ये लास्ट वाला जो आपको दिख रहा है ना ग्रुप आईडी, ये 10 इन ब्रैकेट व्हील, तो ये व्हील के ग्रुप में इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आप सूडो हु एम आई करेंगे तो ये खुद को रूट बताएगा, ठीक है। सूडो हु एम आई, हु एम आई, सूडो को और हु एम आई को सेपरेट कर दो स्पेस से, सूडो और हु एम आई के बीच में स्पेस दे दो, राइट एंटर करो। अभी देखो रूट दिखा रहा है, ठीक है। सो इसने रूट के प्रिविलेजेस ले लिए। अभी सपोज इसको अभी हदूप पे तो देख सकता है, ठीक है, तो कुछ राइट भी कर सकता है क्या वो देखेंगे अपन, क्योंकि हदूप fs हाइफन ls फॉरवर्ड स्लैश किया था तो हमें रिजल्ट मिला था, tmp का फोल्डर और यूजर का फोल्डर देखने को मिला था। तो मैं आपको बताता हूँ, ये रीड तो परमिशन मिल गई, ठीक है, इसको ये बिना रूट के भी परमिशन मिल गई थी रूट की, तो राइट की परमिशन है क्या वो चेक कर दो, ठीक है। तो चेक करने के लिए अपने को एरर तो दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो आप HDFS space DFS hyphen MKDIR space Pritesh user Pritesh करो, user Pritesh करो, user करो forward slash forward slash forward slash user forward slash Pritesh करो, यहाँ एंटर कर दो। यहाँ पढ़ लो, ठीक है, MKDIR परमिशन डिनाइड यूजर प्रीतेश एक्सेस राइट आई नो, ठीक है। तो हमें ये क्या कर रहा है, राइट की परमिशन नहीं दे रहा है, ठीक है, सेंटोस के यूजर को, तो ये तो मतलब ऑटोमेटिकली सिक्योर है, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि जो बेसिक सिक्योरिटी होती है ना राइट की परमिशन जैसे की वो नहीं देखा, ठीक है। अगर सपोज आपको चेक करना है HDFS DFS hyphen ls करो, DFS hyphen ls आगे जाओ फॉरवर्ड स्लैश करो, तो ये अभी क्या बोल रहा है, Hadoop HDFS यानी कि HDFS Hadoop फाइल सिस्टम, ठीक है, एंटर करो। तो HDFS पे डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पे जाके ls में जाके देख रहा है, ठीक है। तो रीड की परमिशन है ना इसको, यहाँ पे दिखा रहा है Hadoop पे क्या है वो दिखा रहा है, लेकिन मैंने जब इसको राइट करने के लिए बोला hyphen mkdir, मतलब एक डायरेक्टरी मुझे बनाना है Hadoop पे जाके, HDFS DFS यानी Hadoop पे जाके, यूजर प्रीतेश यानी यूजर मेरी पाथ है, प्रीतेश मेरा फोल्डर है, ठीक है। अभी ये फोल्डर आपको दिख रहा नहीं है, यहाँ पे अगर कोई भी नाम देंगे आपको तो आप सैंपल, जैसे कल दिया था तो सैंपल नाम का फोल्डर, अभी प्रीतेश दिया तो ये डायरेक्टरी बनाएगा, MKDIR यानी डायरेक्टरी बनाना है, तो इसने डायरेक्टरी बनाने दी क्या आपने को, परमिशन डिनाइड बोला, ठीक है।
तो ये परमिशन डिनाइड कहाँ से बोला, क्योंकि HDFS जो है ना हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन ऐड है हमारा DFS.permission, तो DFS.permission जो फाइल है वो आपके जो ETC पासवर्ड का जो वहां से रीड करता है, ठीक है, परमिशन ETC पासवर्ड से। सो अगर हम उसे डिसेबल करेंगे अभी HDFS DFS अगर डिसेबल होता तो ये MKDIR की फाइल बन जाती थी। सो वो देखने के लिए क्या करो आप प्रीतेश जी, आप वो क्लाउडेरा मैनेजर के इंटरफेस में जाओ, HDFS में जाओ, HDFS में जाओ, कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, सर्च में जाओ, यहाँ पे एंटर करो DFS.permission। नीचे ग्लोबल व्यू नहीं, वो ग्लोबल व्यू है, यहाँ पे नीचे टाइप करो ना, ये HDFS में अपन ने इतने अंदर आए, ऊपर से भी आ जाता था लेकिन वो ग्लोबल व्यू है, ठीक है। अभी अपन ने इतने थपाक डोड़ के तो यही से करेंगे ना, परमिशन एंटर करो, हाँ बस चेक एक बार यहाँ पे देख लो, ठीक है। DFS.permission का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे टिक था, अनटिक कर दिया हमने। अभी इसको सेव करके क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन रिस्टार्ट कर दो। ओके, हमने क्या किया, DFS.permission जो कॉन्फ़िगरेशन में था उसे अनटिक किया और रिस्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन को। इसको रिस्टार्ट होने दो, टर्मिनल अप करो तब तक। रीड की भी परमिशन नहीं मिलेगी, ओके। अगर आपके पास केयर बेरोस इनेबल है तो आपको रीड का परमिशन भी नहीं मिलेगा, ओके। जैसे अभी वो देख रहा था ना, तो वो भी नहीं मिलेगा आपको, उसको सेंटोस को या प्रीतिश को देखने को नहीं मिलेगा। रिस्टार्ट हो गया होगा, वो एक बार देख लो उसको, फिनिश कर दो, हो गया। तो ठीक है, ये टाइम लेगा, तब तक आप क्या करो, टर्मिनल अप करो, क्योंकि ये CM दिखाता है ना इसको, तो आप क्या करो वही अप एरो करो, MKDIR का कमांड अप एरो करो, हाँ, और एक बार एंटर करो प्रीतिष्ठ, हाँ बस एंटर करो। तो हमने अभी क्या किया, HDFS DFS-MKDIR यूजर प्रीतिष्ठ, यानी फिर से वही कमांड डाली जो ऊपर है, ठीक है, डायरेक्टरी बनाने की, जो पहले परमिशन डिनाई बोल रहा था अभी उसने अलाउड कर दी, प्रीतेश नाम की डायरेक्टरी बना दी। क्यों बना दी, क्योंकि DFS.permission हमने अभी डिसेबल किया, आपको आपके सामने मैंने बताया कि DFS.permission को अनटिक करो फिर रिस्टार्ट करो। तो DFS.permission का कॉन्फिगरेशन क्या करता है, वो ETC पासवर्ड से ETC पासवर्ड की जो परमिशंस होती है ना उसके यूजर्स की, वो इसको इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो अभी वो रिस्टार्ट हो गया था, अभी ऊपर रनिंग दिखा रहा था आपने वो, क्योंकि वो लोड लेता है क्लाउडेरा मैनेजर का एप्लीकेशन। वाई, क्योंकि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन काफी लो है, अभी 4 GB 8 GB के रैम है, इसलिए वो दिखा रहा नहीं वहां पे, ठीक है। पर यहाँ पे तो हो गया टर्मिनल पे, टर्मिनल पे कैसा होता है, ठीक है। एनीवे आप क्या करो, LS करो, LS फॉरवर्ड, नहीं नहीं LS करो, स्पेस दो, हाइफन हाइफन डालो, ये हटा दो, हाइफन 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 LS हाइफन हाइफन, और एक बार हाइफन दो, आईनोड करो, आईनोड, वाह आईनोड करो, स्पेस दो, फाइल लिखो, फाइल एंटर करो, एलएस करके एंटर करो।
यहाँ पे फाइल नहीं है, ठीक है, गेटवे के मशीन के प्रीतेश के यूजर के पास फाइल नहीं है, सो यहाँ पे एक फाइल बना दीजिए प्रीतेश जी, नैनो फाइल कर दो। बस एंटर करो, बस इतना डेटा कॉपी करो नीचे और डेटा को इंक्रीज करो और पेस्ट कर दो। ओके, तो अभी अप एरो करके वो वाला कमांड डाल दो, ls -- inode वाला। ये आईनोड दिख रहा है क्या आपको? ये 322458 ये आईनोड एड्रेस है, ठीक है, फाइल का। तो ये फाइल कहाँ पे, कोई बताएगा क्या कहाँ पे ये फाइल कहाँ पे हमारी अभी जो हमने फाइल बनाई? लोकल फाइल सिस्टम पे है हमारे। हाँ, ये फाइल हमारी लोकल फाइल सिस्टम पे है, हदूप पे फाइल नहीं है, ठीक है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी क्लियर हो जाएगा ना तो अच्छी बात है ना, अपना ऐसे भी सेशन इनसिक्योरिटी का चल रहा है तो और कंसेप्ट आपके किसी को क्लियर नहीं तो क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा फाइल लोकल फाइल सिस्टम पे है, तो ये आईनोड एड्रेस फाइल का दिखा रहा है हमें, ठीक है। हमने क्या कमांड किया, फाइल का आईनोड एड्रेस दिखाओ, तो ये आईनोड एड्रेस दिखा रहा है। आईनोड एड्रेस मतलब ही ब्लॉक एड्रेस होता है, ठीक है, ब्लॉक एड्रेस। लेकिन ये लिनक्स फाइल का है, मतलब लोकल फाइल सिस्टम क्या है हमारा, कर्नल कौन सा है हमारा, कर्नल लिनक्स का कर्नल है ना। सो ये कर्नल लिनक्स का है और लिनक्स का जो आईनोड का ब्लॉक है, ब्लॉक एड्रेस, ये फाइल का लिनक्स फाइल सिस्टम पे ऐसे दिखाता है, मतलब नंबर आते हैं, ठीक है, 6 डिजिट के। यानी कि ये नंबर जो है ये आप ये ब्लॉक एड्रेस पे, ये आईनोड पे कहीं ना कहीं वो फाइल लिखी है, उसका मतलब ये बोलने का ऐसा है। यानी कि आगे चल के कोई ये सपोज ये फाइल करप्ट हो गई तो आपका जो लिनक्स का एडमिन होगा या सिस्टम का एडमिन होगा, अगर उसको आपने रेज किया टिकट, तो ये फाइल से वो ब्लॉक रिप्लीकेट करके ये जो ब्लॉक आईडी है ना, ये आईनोड का एड्रेस दिख रहा है आपको, वहां से वो फाइल रिट्रीव कर सकता है, ठीक है, वहां पे जाके वो करेगा। वो पूरा लिनक्स के एडमिन का काम है। लिनक्स के एडमिन का काम क्यों है, क्योंकि ये फाइल हदूप में है ही नहीं, ये फाइल सिस्टम पे लिनक्स पे फाइल है, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान में रखना, आपका लिनक्स का एडमिन अलग होगा, यानी कि सिस्टम रिलेटेड इशू अगर कुछ आएंगे आपको, सो वी जस्ट हैव टू कंसल्ट विद देम एंड रेज द कंसर्न टिकट टू द लिनक्स एडमिन, इतना याद रखना, ठीक है। यानी कि अभी प्री रिक्विजिट लगते हैं हदूप को, प्रीरिक्विजिट आपने आपको सिखाए होंगे, ठीक है, आपने सीखा भी होगा ये SC लिनक्स को परमिसिव करने का। फिर आपको क्या करना पड़ता है, आईपी टेबल करना पड़ता है, फिर NTP सर्वर को सेट करना पड़ता है, ठीक है। ये सारे जो आपके हदूप 2 के प्रीरिक्विजिट है या फिर हदूप के रिक्वायर्ड कोई भी सिस्टम के रिलेटेड आपको काम है जो कि हदूप को लगता है, क्योंकि हदूप का सेपरेट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया 10 मिनट कि हदूप की फाइल सिस्टम अलग चल रही है और ये लिनक्स की फाइल सिस्टम अलग चल रही है, ठीक है। लेकिन हदूप कहाँ पे काम कर रहा है, हदूप लिनक्स पे ही काम कर रहा है ना। हदूप को आपने लिनक्स पे डाउनलोड किया है एंड उसके लिए हदूप के लिए कुछ ना कुछ तो सेटिंग करनी पड़ेगी ना, अपनी भाषा में सेटिंग करनी पड़ेगी, कॉन्फिग्रेशन करना पड़ेगा सिस्टम पे, तो ही हदूप डिप्लॉय हो पाएगा। सो उसे ही मतलब प्रीरिक्विजिट करना पड़ता है, मतलब प्रीरिक्विजिट या फिर कर्नल ट्यूनिंग पढ़ा होगा ना आपने, हुआ है कि नहीं, यस नो डाल दीजिए चैट में, हुआ है ना, यस ओके, ऐसे डाल दीजिए जल्दी से, ठीक है। तो वही ये काम किसका है फिर, या सब कुछ हम लोग नहीं करते बैठेंगे, सो वी जस्ट कंसल्ट विद द लिनक्स एडमिन एंड रेज द कंसर्न टिकेट फॉर द इशू टू द लिनक्स एडमिन, ओके। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए दिखाया कि लिनक्स का भी ये जो आपका ब्लॉक है ना, ये अल्टीमेटली ब्लॉक एड्रेस लिनक्स पे भी होता है, क्योंकि आपका सब हार्डवेयर में लिखा जाता है, तो ये आईनोड एड्रेस ऐसा दिखता है, ठीक है। और एक चीज बता देता हूँ आपको, अभी हमें क्या करना है, हमने प्रीतेश नाम का फोल्डर बनाया और हमने फाइल नाम की फाइल लोकल सिस्टम में बनाई, तो ये फाइल को लोकल फाइल सिस्टम के फाइल को हदूप पे डालना है, तो कमांड क्या है बोलो, कोई ना कोई हदूप क्लाइंट की कमांड क्या है, फाइल पुट करने के लिए, फाइल को हदूप में डालने के लिए। हाँ बस डाल दो, fs-put, फाइल लिखो, फाइल का नाम लिखो, जो फाइल डालनी है वो लिखना पड़ेगा, फाइल नेम एंड डॉट,
फाइल नेम लिखो, स्पेस दो, डॉट लिखो, एंटर करो। हदूप पे जाके देखो ये फाइल है क्या, वहां पे हदूप पे फेस हाइफन ये लिस्ट करो, यही से देखो टर्मिनल, ठीक है वहां से अभी देखो, देखो यही से देखो अभी क्लस्ट क्लाउडर ऐसे देखो, ठीक है आ गए तो यहाँ से देखो फेस में जाओ। तो ये फाइल हमने क्या किया, लोकल फाइल सिस्टम पे से कॉपी करके लिनक्स ये हदूप में डाली है। तो ये दिखने को सिंपल कमांड है, ठीक है एक सेकंड में चली गई फाइल, लेकिन इंटरनली बहुत कुछ काम हुआ होगा ना, इंटरनली जो प्रोग्राम राइट किया होगा डेवलपर ने ये कमांड के रिलेटेड, वो तो बहुत कुछ हुआ होगा। तो हदूप का जो राइट मैकेनिज्म है ना वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है तो ही ये फाइल यहाँ पे राइट होगी। तो राइट मैकेनिज्म क्या है, ये जो आपका क्लाइंट है, क्लाइंट कौन है आपका, प्रीतेश क्लाइंट है, ठीक है आपका अभी क्लाइंट प्रीतेश है, तो प्रीतेश को फाइल लिखनी है ना हदूप में जाके। तो हदूप ये क्लाइंट का, एक क्लाइंट का यानी प्रीतेश का और हदूप का जो इंटरेक्शन हो रहा है वो HDFS क्लाइंट लाइब्रेरी होती है, ठीक है HDFS क्लाइंट लाइब्रेरी के हेल्प से होता है। एंड HDFS क्लाइंट लाइब्रेरी में क्या होता है, जब उसको ऐसे कोई फाइल लिखनी है तो इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है पता है क्या, अभी बता देता हूँ, ठीक है यहाँ पे इशू निकला है सब्जेक्ट इसमें। तो जो आपका HDFS क्लाइंट लाइब्रेरी है वो क्रिएट मेथड कॉल करता है, ठीक है क्रिएट मेथड करता है, लेकिन फाइल क्रिएट करनी है हमें हदूप में फाइल नाम की, ऐसे उसने इंटरनली बैकग्राउंड में ऐसा बोला होगा कि क्रिएट मेथड करो। फिर क्रिएट मेथड के बाद क्या होता है, जो आपका नेम नोड का सर्वर है उसे RPC कॉल किया जाता है, ठीक है रिमोट प्रोसीजर कॉल बोलते हैं उसको। तो रिमोट प्रोसीजर कॉल इज मेड टू द नेम नोड सर्वर, यानी कि नेम नोड के पास चला जाता है, क्योंकि सारा मेटा डेटा नेम नोड के पास होता है कि कौन से ब्लॉक में अवेलेबल है क्या सारे डेटा नोड्स, ये सारी चीजें। तो नेम नोड सर्वर को कॉल जाने के बाद RPC का वो क्या करता है, नेम नोड चेक करता है कि वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्या, या फिर वो जो क्लाइंट अभी प्रीतेश लिख रहा है उसको परमिशन है क्या। अभी परमिशन नहीं होती है तो वो डिनाई कर देता है, लेकिन अभी हमने तो पूरा क्लस्टर ओपन करके रखा है, क्लस्टर में सिक्योरिटी कुछ नाम की चीज ही नहीं है, ठीक है और क्या नहीं है, आपका DFS परमिशन भी आपने डिसेबल कर दिया, और जो प्रीतेश है उसको रूट प्रिविलेजेस दे दिए, मतलब सब कुछ मनमर्जी काम चल रहा है। तो उसने क्या किया, वो उसको अलाउ कर दिया फाइल लिखने को, ठीक है तो फाइल उसने लिख दिया। वो इंटरनली और भी कुछ होता है, वो डेटा नोड का एड्रेस देता है, फिर ये फाइल अभी दिख रही एक बार है लेकिन एक, हेलो श्रीकांत भाई ये मेथड को एक बार और रिपीट करो ना अभी जो बताया आपने। करता हूं। तो क्या होता है, ये फाइल अभी दिख रही एक बार है, ठीक है लेकिन हदूप पे अगर कोई डेटा रखते हो तो तीन बार रेप्लिकेट होता है, वो तो पता होगा ना सबको। हदूप फॉल्ट टॉलरेंट है, उसके जो ब्लॉक्स होते हैं फाइल के वो तीन डेटा नोड पे। हमने तीन डेटा नोड क्यों लिए, वहां पे राइट साइड में देखो ये फाइल की जो रेप्लिकेशन है ना, नहीं नहीं उस पे नीचे देखो, नीचे पेरेंट साइज ब्लॉक साइज रेप्लिकेशन ओनर ग्रुप मॉड लास्ट एक्सेस लास्ट मॉडिफाइड, ये सारी चीजें क्या आ रही है, कौन बताएगा कि क्या है सब, ये लिस्ट किसकी है, एक डाउट था मेरा ये, अभी देखो ये फाइल का साइज कितना है 162 bytes, और इसका ब्लॉक साइज है 128 MB, तो मतलब ये फाइल ने अपने क्लस्टर के ऊपर 128 MB जगह लिया है कि कैसा है इसका, ये समझ नहीं आया। 128 MB जगह ले लिया उसने। अच्छा लेकिन फाइल साइज अपनी उतनी नहीं है, लेकिन क्लस्टर पे उसने उतनी जगह लिया है ना 128 MB। हाँ जगह जगह ले लिया उसने, क्योंकि हदूप है ना ये बिग डेटा के लिए बना है ना, तो अभी प्रैक्टिस के लिए हमने छोटे छोटे फाइल कर रहे हैं, लेकिन जब फाइल आएंगे तो वो GB में फाइल आएंगे आपके, जो डेटा रोल काउंट आएगा आपका पैकेट्स में जो रोल काउंट बन के आएगा ना, तो वो जो काउंट होगा रोल का वो अपने हिसाब से, यानी कि 1000 byte को कितना भी रह सकता है अभी, जितना वो एप्लीकेशन की टीम रहेगी, ठीक है अभी जो इस एप्लीकेशन पे डेटा आ रहा है तो ट्विटर का डेटा आएगा, कोई भी डेटा आएगा, इकोसिस्टम में आपने देखा रहेगा वो कॉन्फ़िगरेशन जो था, तो कॉन्फ़िगरेशन में रोल काउंट का था ना एक कि कितना कितने साइज का आपको बनाना है, तो उसके हिसाब से ब्लॉक में डिवाइड होगा, ठीक है ऐसे छोटे छोटे फाइल नहीं आएंगे, वो आपको पूरा रोल काउंट करके फाइल बचेगा, एक एक GB का, दो दो GB का, जैसे आपने आपके एप्लीकेशन टीम ने कॉन्फ़िगरेशन किया है ना, अपने को ज्यादा मतलब नहीं है, जो आपकी एप्लीकेशन टीम होगी या DevOps की टीम बोलते हैं उसको, तो DevOps के टीम में जो काम कर रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कैसे डेटा आएगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो ब्लॉक में डिवाइड कर लेगा, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है हदूप सब कुछ कर लेगा ये चीजें।
ठीक आपको पता रहना चाहिए लेकिन 128 MB में कन्वर्ट हो गया है ऐसा वैसा ठीक है। सर हेलो हेलो हाँ बोलिए बोलिए। अभी ये 162 बाइट का डेटा है और 128 MB जगह ली, ये यही ब्लॉक में और डेटा भी सेव होगा ना दूसरे फाइल का? नहीं नहीं होगा नहीं, एक ब्लॉक पे हडूप क्या फॉलो करता है, राइट वंस रीड भी नहीं फॉलो करता है, तो इसने एक ब्लॉक अभी ले लिया ना तो वो ब्लॉक यूज नहीं होगा फिर से ठीक है। दूसरे ब्लॉक पे वो आर्किटेक्चर पढ़ रहे तो आप उन्होंने 200 MB का एग्जांपल दिया था, 72 MB दूसरे ब्लॉक में से होगा और जो बचा हुआ है 72 MB में से, सब 128 माइनस 72 वो बाकी का डेटा 56 MB वो दूसरे इसमें जाएगा बोले, मतलब वही ब्लॉक में जाएगा ऐसा बोल रहे थे। नहीं नहीं आपने पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ किया है, आप ठीक से पढ़ लो ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो मतलब यही ना कि ये ब्लॉक फिर से यूज नहीं हो। ये बुक फिर से नहीं होगा ठीक है ठीक। तो यहाँ पे उसने क्या किया, फाइल राइट कर दी, तो ये तीन रेप्लिकेशन भी बनाए वहां पे दिखा रहा है ठीक है, रेप्लिकेशन 3 ओनर प्रीतेश, ग्रुप क्या है, सुपर ग्रुप है, मोड क्या है, सब दिखा रहा है ना नीचे, कब फाइल बनी है, लास्ट मॉडिफाई कब हुई है। सो ठीक है अभी वो टर्मिनल ओपन करो कंट्रोल एल करो। कल वाली कमांड है क्या आपके पास प्रीतेश, जो मैं प्रोड्यूस का जॉब की क्या? ये मैं आपको सेंड कर रहा हूं, इधर कॉपी कर लो। यहां से बताओ ना कैसे देखना है वो फाइल सीएलआई से। हाँ वो देखा हो दिखा तो मैं आपको, ये पहले प्रोग्राम राइट करो, ये कॉपी करो। हाँ कर लिया, चैट में जो है ना वो कॉपी करके पेस्ट कर, कर लिया, पेस्ट करो इधर। ये जो फाइल है ये फाइल के आगे उसकी पाथ दे दो। नहीं नहीं वो रन नहीं होगा, हो रहा है क्या रन? ठीक है आपने पेरेंट डायरेक्टरी में रखी थी फाइल तो रन हो जाएगा ठीक है। तो हमने क्या किया, मैं प्रोड्यूस का जॉब रन किया। ये मैं जॉब रन क्यों करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो प्रीतेश है ये हमारा अनऑथेंटिकेटेड यूजर है ठीक है, अनऑथेंटिकेटेड ठीक है। तो अनऑथेंटिकेटेड यूजर क्या करेगा, एक तो फाइल उसने देख ली एलएस करके, उसके बाद क्या किया, एमकेडीआर कर से क्या किया उसने एक फोल्डर बना दिया हडूप में, फिर क्या किया उस फोल्डर में जो फाइल लोकल पे फाइल सिस्टम पे थी वो डाल भी दी। फाइल डालने के बाद क्या किया उसने प्रोग्राम भी रन किया उस पर, तो सब कुछ कर सक रहा है ठीक है प्रीतेश, जो कि अभी तक उसको कुछ मतलब ऑथेंटिकेशन हुआ नहीं इसलिए सब कुछ कर पा रहा है। लेकिन सपोज इसमें केयरब्रोस इनेबल होता तो केयरब्रोस क्या करता था, प्रीतेश को स्टॉप करता था ठीक है, तो प्रीतेश को अलाउड नहीं करता था ये राइट करने के लिए, कॉपी करने के लिए डेटा वगैरह ठीक है। तो उसने अभी मैं प्रोड्यूस का जॉब रन किया, मतलब जॉब भी रन कर पा रहा है तो सब कुछ कर पा रहा है राइट, तो ऑथेंटिकेशन तो है ही नहीं इसमें, ऑथराइजेशन भी है ही नहीं इसमें, और आपको इंक्रिप्शन भी कैसे नहीं है वो भी दिखा दो। अभी कंट्रोल एल करो, कंट्रोल एल करो, कंट्रोल एल नहीं हो रहा है, कंट्रोल एल नहीं हो रहा है, तो अभी जो मैं प्रोड्यूस का जॉब किया है उसका जो रिजल्ट आया होगा वर्ड काउंट का जॉब था ठीक है, तो वर्ड काउंट का जॉब उसने जो परफॉर्म किया उसका कुछ आउटपुट आया होगा, रिजल्ट आया होगा, तो हमने क्या किया वो फाइल पर वर्ड काउंट का मैं प्रोड्यूस जॉब रन करके डिजिटल डेटा में उसका आउटपुट सेव किया है ठीक है। सो अगर आपको चेक करना है आउटपुट कहाँ है तो आप हडूप एफएस हाइफन एलएस करके चेक कर सकते, करो वहां पे चेक हडूप एफएस हाइफन एलएस फॉरवर्ड स्लैश यूजर प्रीतेश फॉरवर्ड स्लैश प्रीतेश करो, हाइफन एलएस के आगे अपैरो करो हाइफन एलएस के आगे हाइफन आर डाल दो कैपिटल, पेज दो एंटर करो। तो इसने क्या किया जो आउटपुट है वो डिजिटल डेटा में रखा है, पार्ट बनाए है ठीक है तीन पार्ट, तो वर्ड काउंट का जॉब है मतलब उसने वर्ड को काउंट किया होगा, तो वो वाला जॉब है। अगर देखना है आपको तो देख लो हडूप एफएस, हडूप के क्लाइंट को बोलना पड़ेगा ठीक है, हडूप में है सब कुछ, हडूप एफएस क्योंकि जॉब भी हडूप में रन किया था, हडूप जार हडूप के क्लाइंट ने रन किया था ठीक है। हाइफन कैट वो पूरे पाथ को कॉपी करो,
यूजर पे देश 00 तो पेस्ट करो, एंटर करो, ये आपका देखो रिजल्ट आ रहा है ठीक है वर्ड काउंट का। सो नाउ इसके ब्लॉक आईडीज चेक करेंगे ठीक है, ब्लॉक आईडीज कहाँ कहाँ के फाइल पे, तो HDFS करो, HDFS H डाल दो, HDFS स्पेस दो, FSCK स्पेस दो, फॉरवर्ड स्लैश यूजर फॉरवर्ड स्लैश प्रीतेश फॉरवर्ड स्लैश फाइल भेज दो, भेज देना था रे ठीक है। अभी अप एरो करो, फिर से कंट्रोल एल करो, अप एरो करो, वो वाली कमांड लो HDFS वाली, डाउन एरो करो, एक बार डाउन एरो करो, डाउन एरो, अप एरो करो, यही कमांड आ रही है क्या ठीक है, हटा दो, हटा दो, हटा दो, पूरा हटा दो, कमांड टाइप करो, फिर से टाइप करो HDFS FSCK वाला, F हटा दो, हाइफन हटा दो, फॉरवर्ड स्लैश दो, यूजर प्रीतेश फाइल पेज दो, हाइफन फाइल्स लिखो, फाइल्स हाइफन ब्लॉक हाइफन लोकेशन हाइफन स्पेस हाइफन ब्लॉक स्पेस पेज दो, बीच में स्पेस दो, ब्लॉक्स करो, यस करो, ब्लॉक को यस कर देना ठीक है, ब्लॉक के आगे, ब्लॉक के आगे यस कर दो, ब्लॉक्स कर दो, एंटर करो। तो हदूप के फाइल सिस्टम का कमांड है, इसमें आप यहाँ पे देख लो ठीक है, ये ऊपर पढ़ लो, FSCK started by प्रीतेश ब्रैकेट में ऑथेंटिकेशन सिंपल, फिर बाद में पूरी डिटेल दे रहा है ठीक है, कौन से इसमें यूजर कौन से पाथ में UTC टाइम क्या है, कौन से डेटा को ओके भी कह दिया, मतलब इसने रिजल्ट ओके बोल दिया, मतलब रिजल्ट दिखा दिया कि हमने क्या किया था, FSCK स्टार्ट किया, ये ऑथेंटिकेशन सिंपल था इसलिए उसने दिखा दिया। ये सिंपल को अगर केयरबेरोस से रिप्लेस हो जाएगा, कब रिप्लेस होगा, जब आपका सिक्योरिटी का सेशन होगा उसके बाद वो रिप्लेस हो जाएगा, आप जब सीख जाएंगे सिक्योरिटी कैसे इनेबल करना है, तो यहाँ पे सिंपल के जगह पे हेलो बोलो, हेलो सर, हाँ बोलो बोलो, वो मेरा हदूप 11 का कमांड रन नहीं हो रहा, फाइल का हो रहा था, डिस्टिल डेटा का नहीं हो रहा था। ठीक है मैं आपको थोड़ी देर में एड्रेस कर दूं, फिलहाल ये इम्पोर्टेंट है, ये खत्म करने के बाद बोल देता हूँ ठीक है आपको। तो यहाँ पे जो सिंपल, ओके ओके ओके, हाँ यहाँ पे जो सिंपल है उसे केयरबेरोस अगर रिप्लेस कर देगा, तो मतलब केयरबेरोस इनेबल जब करेंगे आप सिक्योरिटी इनेबल करने के बाद, तो ये रिजल्ट नहीं दिखाएगा ठीक है, क्योंकि ये प्रीतेश को अभी तक KNET से टिकट नहीं मिला है। अगर कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर है जो कि जिसके पास टिकट लेके आया है, वो तो टिकट यानी कि ID कार्ड की तरह ठीक है, अगर उसके पास टिकट है यानी कि ID है तो वो सब कुछ देख सकता है, उसके पास टिकट नहीं है यानी कि ID नहीं है तो उसको वापस जाना पड़ेगा, उसको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा ठीक है, हदूप दिखाएगा नहीं। तो ये केयरबेरोस का काम, ये केयरबेरोस जो क्लाउडेरा मैनेजर क्या करता है, MIT KDC एंड क्लाउडेरा मैनेजर क्या करता है, MIT KDC एंड एक्टिव डायरेक्टरी को या ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है उन दोनों को सपोर्ट करता है ठीक है। सो हमें क्या देखने को मिला, टोटल साइज, टोटल डायरेक्टरीज, टोटल फाइल्स, सिम लिंक्स, वैलिडेटेड ब्लॉक, मिनिमली डायरेक्टरी, ओवर रेप्लिकेटेड ब्लॉक, अंडर रेप्लिकेटेड ब्लॉक, मिस रेप्लिकेटेड ब्लॉक, डिफॉल्ट रेप्लिकेशन फैक्टर। कभी कभी क्या होगा, सपोज आपका कोई ब्लॉक मिल रहा नहीं है, ब्लॉक मिस हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है उसके पीछे, तो ब्लॉक मिस हो गया तो यहाँ पे आपको दिखाएगा मिसिंग ब्लॉक कहाँ पे, तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, फिर आपका एडमिन का काम है, तो वो ब्लॉक क्यों मिसिंग है वो आपको चेक करना पड़ेगा ठीक है पूरा, उसके इसमें आपको लेना इसके एडमिन की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें, जो ब्लॉक दिख रहे हैं ना आपको BLK, ये BLK को कॉपी करो,
गया, एक मिनट, हाँ यही यही पेज पर हो, ठीक है। ये ब्लॉक के पाथ को ढूंढना है अभी, ठीक है। सिर्फ ब्लॉक मिला है, अगर हमें इसकी पाथ भी मिल गई, मतलब कहाँ पे ब्लॉक रखा है, तो हमें कैट करके इलीगल वे से इसको पढ़ सकते हैं ब्लॉक को। सो यहाँ पे टाइप करो सुडो, टाइप करो सुडो फाइंड पेज दो फॉरवर्ड स्लैश दो डीएफएस फॉरवर्ड स्लैश दो DFS के इधर फॉरवर्ड स्लैश दो, DN दो फॉरवर्ड स्लैश दो स्पेस दो हाइफन नेम्स करो नेम्स, ये स्पेस हटा दो, नेम्स करो नेम्स स्पेस दो फॉरवर्ड स्लैश दो, पहले को यूजर फॉरवर्ड स्लैश, यूजर हटा दो, ठीक है ये सब हटा दो, यूजर तक हटा दो, स्टार दो यहाँ पे स्टार, वो पेस्ट कर दो ब्लॉक, ये डबल टू थ्री टू हटा दो, ये हटा दो पेस्ट कर दो, एंटर करो तो फाइंड के हेल्प से क्या करेगा, अननोन रेप्लिकेट नेम्स हाइफन यस नेम्स को ना सिर्फ नेम लिखो, यस हटा दो, अप एरो करो वही कमांड को, नेम्स के जगह पे यस हटा दो, ठीक है आ गया, ठीक है एनीवे रहने दो ठीक है आ गया। यहाँ पे कंट्रोल एल करो, सुडो कैट करो, नहीं नहीं ठीक है मत करो ये, बस वहां पे आ गया ना रिजल्ट, हटा दो इसको, थैंक यू, सुडो कैट करो पेज दो, ऊपर लो वो स्क्रॉल अप करो, ये जो नीचे वाला पाथ है डीएफएस डीएम, हाँ इसको कॉपी करो पेस्ट करो यहाँ पे नीचे, सुडो कैट के आगे पेस्ट हो रहा नहीं है क्या? हाँ नहीं हो रहा है, ठीक है पहले पेस्ट करो बाद में सुडो कैट उसके आगे लिख दो, कंट्रोल अल्ट दबाओ, अल्ट दबाओ पेस्ट करो अभी बाद में सुडो कैट लिख दो। आ गया ना, करो एंटर करो, सो जो ब्लॉक एड्रेस को देख रहा है ठीक है वो, और जो फाइल थी हमारी वो देख रहा है, यानी कि अनऑथेंटिकेटेड वे से देख रहा है। सपोज अगर प्रीतेश कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर होता तो यहाँ तक वो पहुंच नहीं पाता था, ठीक है। अगर उसको देखना है और ऑथेंटिकेटेड है तो कैट करके डायरेक्टली हदूप के फाइल पे देख सकता था, हदूप एफएस हाइफन कैट से, तो लेकिन अब ये ब्लॉक एड्रेस से देख रहा है, ठीक है। सो ये दिस इज नॉट अ राइट वे, ओके, एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑल्सो डोंट वॉन्ट दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, दिस टाइप ऑफ प्रोसीजर्स। सो ये डेटा आपका इनक्रिप्टेड वे में है, तो डेटा एड्रेस आपका इनक्रिप्टेड नहीं था इसलिए आपको दिख भी गया, उसने वर्ड अकाउंट का प्रोग्राम रन किया हदूप के फाइल सिस्टम पे, एंड अनऑथेंटिकेटेड वे में वो आ गया अंदर, सब कुछ कर रहा है, ठीक है। यानी कि डेटा एड्रेस इनसिक्योर भी है, एंड दिस इज द इनसिक्योरिटी। बोलने का मतलब है कि आपका सिस्टम का यूजर हदूप में जाके प्रोग्राम रन करके ब्लॉक एड्रेस को ढूंढ रहा है और फाइल देख रहा है। सो ऑर्गेनाइजेशन डोंट वॉन्ट दिस सिनेरियो। सो इसके लिए क्या है, आपने को एडमिन का ही टास्क होता है वो आपका केरबेरोस इनेबल करके या फिर उसको प्रॉपर सिक्योरिटी अप एंड रनिंग करके दे देना, यानी कि ऐसा जो पेनिट्रेशन टेस्ट करेंगे ऑडिट टीम, तो ऑडिट टीम जो करेगी तो ऐसा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो एनी वे अभी कंट्रोल एल करो, यहाँ तक समझ गया क्या सबको? अभी तक जो सेशन में हुआ लैब में तो वो समझ में आया क्या? और वहाँ पे हमने दो फाइल क्रिएट किए था ना पहले, वो एक वो समझा नहीं,
वो जो फाइल हमने बनाई थी ना वो गलती से नैनो फाइल, हाँ नैनो फाइल फर्स्ट टाइम किया था और सेकंड टाइम किया था, उसमें क्या डिफरेंस? वो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, हमारा गेटवे पे बनाया नहीं था, ठीक है, पहले हमने जब क्लाउडेरा मैनेजर पे आए थे तभी फाइल बनाई थी, तो वो अगर हम गेटवे पे फिर से स्विच हो रहे हैं तो वो दिखेगी नहीं ना दूसरे मशीन पे, तो इसलिए हमने फिर से बनानी पड़ी, ठीक है, समझ रहे हो क्या प्रीतिश? पहले जो बनाई थी वो गेट जब हम क्लाउडेरा के मशीन पे थे 102 पे तब बनाई थी ना, अगर आप फिर से जाएंगे तो फिर से दिखेगी वो फाइल वही पे, एग्जिट करके जाएंगे तो वहां पे फाइल मिल जाएगी आपको, लेकिन हमने होस्ट को स्विच किया तो उसके बाद वो कैसे मिलेगी, तो इसलिए हमने फिर से बनाई इंस्टॉल, अगर आप एससीपी करते थे तो आ जाती थी, लेकिन उतना करने से अच्छा छोटा ही कंटेंट था, तो हमने क्या किया फिर से लिख दी फाइल, और सेम नाम लिख दिया हमने फाइल का, फाइल का नाम चलता है ना, अभी लोकल फाइल सिस्टम पे लिख रहे हैं हम, और दोनों मशीन अलग अलग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये मशीन अलग है, आपकी सीएम की मशीन अलग थी तो वो चलता था, अभी इधर फाइल बनाने को जाएंगे फिर से तो बनेगी क्या, नहीं बनेगी, या फिर वही फाइल एडिट करना पड़ेगा, नैनो फाइल करेंगे तो इसी को एडिट अपडेट करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? हाँ, वो दूसरे मशीन पे फाइल थी, ये दूसरे मशीन, वो फाइल हमने किसमें बनाया था, लोकल फाइल सिस्टम में ना, दोनों भी लोकल फाइल सिस्टम में ही है, लेकिन वो दूसरे मशीन पे बनाई थी ना, वो मशीन कौन सी थी, क्लाउडेरा मैनेजर की, यानी कि कौन सी थी वो मशीन, कौन सी थी आपकी, एग्जिट करो मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जिट करो इधर से और एक बार एग्जिट करो, तो अभी ये नीचे अभी कौन सी मशीन आ रही है, नीचे 102 आ रहा है क्या? सीएम का मशीन है, हाँ ये लेस करो इधर, यहाँ पे जो फाइल दिख रहा है ना तुमको, ये ऊपर ऊपर ये वाला फाइल, ये हम ये तुमने बनाया था पहले, फिर बाद में स्विच किया यूजर, तो उधर कैसे फाइल जाएंगे ऑटोमेटिकली, एक तो आपको ये फाइल को उधर एससीपी करके डालना पड़ता था, तो हमने डायरेक्टली वहां पे गए और दूसरी फाइल बना दी, ठीक है, यस, तो अभी और कोई चौथे मशीन पे जाएंगे तो भी फाइल यहाँ पे नहीं मिलेगी वो, ठीक है, क्योंकि एक एक मशीन पे बनाई है ना फाइल, तो वहां पे कैसे मिलेगी, समझ रहे हो, अलग अलग मशीन है सारी तुम्हारी, ये हाँ ये गेटवे की मशीन है, और हाँ ये ऊपर का अलग था, ये सीएम की और ये गेटवे की, हाँ राइट राइट, जरूर यार, किसका लेटर है हमारा क्या बात है, आ आगे आगे उसका स्वेटर है, उसने पिछले हाल में को देखे जाए दूसरा कुछ, किसका भी आता है कमाई अनुजा अलग इधर, किसका लेटर है ना, ऊपर छोड़ गया उसके फिर बिल्ली के आपको धोने में डाले ले समझ नहीं किसके पेन उसको शुक्र लागा ना मेरा आवेश आवेश अमित कोई भी होगा ना आपके माइक माइक ऑफ कर लो यार आवेश भाई आपका माइक ऑफ करो आवेश भाई या अमित होगा दोनों में से ओके कर लिया उसने ठीक है ओके थैंक यू ब्रो सो ये लेस करो यहाँ पे ठीक है यहाँ तक तो समझ में आया ना सबको एक बार चैट में कंफर्म कर लो अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे डेटा स्ट्रीमिंग डेटा का देख के बंद कर देंगे सेशन ठीक है टाइम ज्यादा हो रहा है 6:45 को शुरू हुआ था 7:45 हो गए ठीक है तो ये आपको आपको इसमें से क्या समझ में आया कि आपका डेटा एड्रेस है एनक्रिप्टेड है वो सिक्योरिटी है ठीक है डेटा एड्रेस इनसिक्योर है तो स्ट्रीमिंग डेटा के लिए कुछ ना कुछ होगा मतलब जो डेटा अभी तक क्लस्टर पे आया नहीं तो उसको कैसे चेक करेंगे तो उसके लिए हमारे पास स्निफिंग टूल है जो नेटवर्क लेयर पे जाके चेक करता है तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अभी फिर से गेटवे पे चले जाओ SSH अपैरो करो अपैरो अपैरो करो कमांड है यहाँ पे अपैरो करो हाँ एंटर करो अभी करो यहाँ पे sudo yum install स्पेस डालो स्पेस हाइफन वाई करो वाई एंटर करो ये लिपकैप और वायर शार्क अलग अलग टूल्स है क्या दोनों स्निफिंग टूल है दोनों मिलके कंट्रोल एल करो गेटवे के मशीन पे इंस्टॉल किया ना फिर से अप एरो करो ये लिप कैप को हटा के वायर शार्क डाल दो इधर
एंटर करो, यहाँ पे एक कमांड डालो sudo dumpcap dump cap space hyphen i ens 0 करो, 0 स्पेस हटा दो, 0 करो, ens 0 एंटर करो, यहाँ पे if config डालो, if config सर वो eth होता है या ens, एंटर करो, यहाँ पे जो eth दिख रहा है ना ये यहाँ से कॉपी कर लो, eth होता है ये, कॉपी कर लो ethernet, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, अल्टर दबाओ, अप एरो करो, अभी अप एरो करो, ens को हटा के eth कर दो और एंटर कर दो, यहाँ पे क्या करो एक टर्मिन एक डुप्लीकेट सेशन ले लो, यहाँ से ठीक है, ये रहने दो, ठीक है ओके, यहाँ से आप क्या करो ls करो, यहाँ पे फाइल है ना हमारे पास वो, लेकिन एग्जांपल के लिए दूसरी फाइल देखनी है ना हमें, तो यहाँ पे कोई दूसरी फाइल ले लो, फाइल टू कर दो, फाइल टू नैनो फाइल टू करो, एंटर करो, यहाँ पे लिखो स्ट्रीमिंग डेटा, स्ट्रीमिंग डेटा लिखो, या डेटा इन मोशन, डेटा इन मोशन लिखो, हाँ पेस्ट करो नीचे, एंटर करके पेस्ट करो, जल्दी जल्दी करो, हाँ सेव कर दो, ठीक है, तो हमने फाइल बनाई है, क्या है डेटा इन मोशन, तो मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको कि डेटा इन मोशन है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, तो डेटा इन मोशन की हमने फाइल बनाई है, इसे उसमें डेटा कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम अभी क्या चेक कर रहे हैं, डेटा इन मोशन आपका इनसिक्योर कैसे है, मतलब वो भी हम रीड कर सकते क्या, अभी तक अगर हदूप में आया नहीं डेटा, नेटवर्क के नेटवर्क पे ऊपर स्निफिंग करते टाइम पे चेक कर सकते क्या, वो हमें देखना है, तो अभी क्या करो यहाँ पे आप लिखो HDFS DFS DFS hyphen put space file two two space dot 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 enter करो, हेलो सर ये 102 का मशीन है, 101 पर 101 पे आ जाओ, 101 पे आ जाओ, ये सीएम का डुप्लीकेट सेशन हो गया, 101 पे आ जाओ तुम, ऐसे यहाँ पे चाबी भी है तुम्हारे पास, हाँ आईपी डाल दो 172, मैन्युअली टाइप करो, मैन्युअली टाइप करो जल्दी हो जाएगा, 172.31.5.101 एंटर करो, SSH हाइफन आई आटा दो, हाइफन आई के आगे चाबी दे दो, हाइफन आई के आगे चाबी दे दो, हाइफन आई के आगे चाबी दे दो, हाइफन आई रहने दो, हाइफन आई के आगे चाबी दे दो, आगे मतलब उसके आगे, उसके आगे हाइफन आई, हाँ स्पेस हटा दो, एक स्पेस ज्यादा हो गया, स्पेस दे दो उसके बीच में, और यहाँ के हाइफन आई का एक स्पेस हटा दो, हाँ परफेक्ट, एंटर करो, हाँ अभी अभी क्या करो वो फाइल फिर से बनाओ, या फिर वहाँ पे एससीपी करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई फाइल है क्या देखो, लेकिन एक दूसरी बना दो, फिर से बना दो, नैनो फाइल टू कर दो, ठीक है नैनो फाइल टू कर दो, एंटर करो, पेस्ट पेस्ट करो, ऑलरेडी डेटा कॉपीड है, पेस्ट पेस्ट कर दो सिर्फ, हाँ करो पेस्ट, एंटर करके सेव करो, ओके थैंक यू, यहाँ पे Hadoop FS hyphen put करके डाल दो उधर क्लस्टर पे फाइल, फाइल टू डॉट कर दो, ओके थैंक यू, एंटर करो,
यहाँ पे क्या करो, ओके नहीं गई, रुको, दो पेफेस हाइपन पुट फाइल और डायरेक्टरी, पेंटोस की डायरेक्टरी नहीं बनी है सर, वो जो डॉट है ना, डॉट हटाओ, उसके उसके आगे कुछ ना कुछ पाथ डाल दो, यूजर यूजर में डाल दो, यूजर यूजर फॉरवर्ड स्लैश कर दो, हाँ बस इतना कर दो, या प्रीतिश में डाल दो, ठीक है, प्रीतिश में डाल दो, प्रीतिश में डाल दो, देखने को मिलेगी आगे चल के, फॉरवर्ड स्लैश करो, ठीक है, अभी ठीक है, अभी ये क्लस्टर पे चली गई फाइल, ठीक है, क्लस्टर पे फाइल चली गई, इसको मिनिमाइज कर दो या बंद कर दो, इसका काम हो गया, ठीक है, कंट्रोल सी दबा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी ये प्रोसेस क्या किया आपने डुप्लीकेट सेशन स्टार्ट करके? हमने ना अभी ये, हाँ ये जो टर्मिनल है इसका डुप्लीकेट सेशन लिया था, डुप्लीकेट सेशन करने के बाद फिर से हम, वो क्या हुआ, सीएम की मशीन पे आ गए थे, ठीक है, डुप्लीकेट सेशन में, तो हमने क्या किया, एसएसएच करके फिर से गेटवे की मशीन पे हम आ गए, ठीक है, 101 पे, एसएसएच करके 101 पे आने के बाद हमने ऐसे ही फाइल रैंडम बना दी, फाइल टू नाम से, नैनो फाइल टू से, फिर फाइल में डमी डेटा डाल दिया, ठीक है, रफ डेटा, डमी डेटा, क्योंकि हमें चेक करना है कि आपका जो नेटवर्क लेयर पे आपका फाइल जो जाएगा, और उसके बाद हमने क्या किया, हडूप एफएस से वो फाइल जो बनाई थी लोकल फाइल सिस्टम से वो क्लस्टर पे पुट कर दी, बस उतना ही किया और बंद कर दिया टर्मिनल, ओके ओके सर, थैंक यू, हाँ ओके, तो लोकल फाइल सिस्टम पे फाइल बनाई और क्लस्टर पे डाल दी, इतना ही किया है, ओके, उस टर्मिनल डुप्लीकेट लेके, क्योंकि हमें वो चेक करना है कि नेटवर्क पे हमारा फाइल इनसिक्योर कैसे, इसलिए तो यहाँ पे आप क्या करो प्रीतेश, एच डी एफ एस लिखो, एच डी एफ एस, एफ एस सी के फॉरवर्ड स्लैश यूजर फॉरवर्ड स्लैश प्रीतेश, प्रीतेश में डाली थी ना, फॉरवर्ड स्लैश स्पेस फाइल टू करो, फाइल टू स्पेस हटाओ, नहीं नहीं ये स्पेस हटाओ, फाइल टू करो, स्पेस दो, यहाँ पे लिखो फाइल्स हाइफन फाइल्स हाइफन फाइल्स स्पेस हाइफन ब्लॉक्स स्पेस हाइफन लोकेशंस, एंटर करो, फाइल टू के जो जो ब्लॉक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, अगर वो फाइल फिर से देखनी है इन चक्कर वैसे तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे हमें क्या करना है, नेटवर्क लेयर पे चेक करना है, यहाँ पे सुडो कैट करो, सॉरी सॉरी सुडो टी शार्क करो, स्पेस दो टी शार्क, स्पेस दो हाइफन आर करो स्मॉल, स्पेस दो क्रॉल अप करो, स्क्रॉल अप करो, ऊपर जो अभी कमांड किया था वो स्क्रॉल अप करो, हाँ वो जो दिख रहा है आपको, नहीं नहीं स्क्रॉल डाउन करो अभी, हाँ बस यहाँ पे दिख रहा है कैप्चरिंग ऑन ईटीएच जीरो इथरनेट जीरो, ये फाइल दिख रहा है ना आपको उसके नीचे, हाँ ये टीएमपी से कॉपी करो पाती है लास्ट तक, हाँ बस कॉपी करो उतना ही, नीचे आओ उधर पेस्ट करो, पेस्ट दो हाइफन वी करो, कैपिटल वी, कैपिटल है नहीं, कैपिटल वी कर दो, यस कैपिटल, ओके यहाँ पे पाइप दो, स्पेस दो, ग्रेप लिखो ग्रेप, पेस दो मोशन लिखो मोशन, मोशन नाम का वर्ड था ना वो फाइल पे, मोशन लिखो एंटर करो, तो जितना भी मतलब वो डेटा है ना वो आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है, यही से इस वजह से तो नेटवर्क लेयर पे भी अपना फाइल सिक्योर नहीं है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। अभी क्या है, हम हाइव में कोई अगर मैनिपुलेशन करना है हाइव के टेबल में तो भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, मतलब अपने मैंने आपको हाइव में ही सिखाया था, यहाँ पे कोई फाइल है तो डूप एफ एस हाइपन पुट करके यूजर हाइव वेयर हाउस में अगर कोई टेबल है उस टेबल का नाम स्पेसिफाई करके डाल सकते हो, अगर और भी इनसिक्योरिटी देखनी है तो कोई स्क्रिप्टिंग की फाइल भी रन कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से हाइव में,
तो ठीक है, इतना समझ में आया ना अभी तक का आपको? यस सॉरी, नेटवर्क लेयर वाला आपने जो किया वो फिर से एक बार बताओ ना, वो नहीं समझा। ये जो नेटवर्क लेयर पे हमने क्या किया अभी तक, क्या किया मैं बता देता हूँ ठीक है। स्टार्टिंग से पहले स्टार्टिंग में क्या हमने क्या किया, दो टूल है हमारे पास जो कि स्नीफिंग करते हैं नेटवर्क लेयर पे, मतलब नेटवर्क पे कौन से पैकेट आ रहे हैं। स्नीफिंग टूल है कौन से, लिपकैप और वायर शार्क है, तो हमने इंस्टॉल कर दिए ठीक है। सेंटोस में नहीं रहते तो हमने इंस्टॉल कर दिए सूडो एम इंस्टॉल से। इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या किया, चेक करना था हमें कि नेटवर्क में आपका जो नेटवर्क लेयर पे डेटा है वो इनसिक्योर है, वो चेक करना है। लेकिन नेटवर्क लेयर पे डेटा है क्या एक्चुअल में अभी फिलहाल, क्योंकि आपका कोई एप्लीकेशन जैसे फ्लूम था इकोसिस्टम में, तो उसमें क्या था, ट्विटर का डेटा आ रहा था और आपने पाइथन के स्क्रिप्ट से हमने क्या किया था, डेटा भी एप्लीकेशन से भी डेटा आ रहा था एटीएम का इकोसिस्टम में ठीक है। तो ऐसा अभी कुछ किया है क्या हमने, नहीं किया है। तो हमें कुछ एग्जाम्पल देखना था ना, तो हमने क्या किया, दूसरे टर्मिनल पे जाके एक फाइल बनाई और वो नेटवर्क पे मतलब क्लस्टर पे डाल दी। तो क्लस्टर पे जाने से पहले कहीं ना कहीं नेटवर्क में होगी ना वो ठीक है। सो अभी तक ऐसा एज्यूम करो आप कि वो क्लस्टर पे गई नहीं ठीक है। अगर ये फ्लूम से डेटा आता था या फिर काफ्का से डेटा आता था, स्ट्रीम से कहीं से डेटा आता था, तो डेटा वहां पे क्लस्टर पे सेटल होने से पहले और ये यहाँ पे वो चुका, अभी ये तो बताने का उतना कुछ है नहीं देखो ठीक है। तो हमने क्या किया, ऊपर लो ये स्क्रॉल अप करो वायरशार्क और लिपकैप के टूल इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि वो उसका काम ही होती टूल का। फिर हमने क्या किया है, जो इथरनेट है ना ETH0, तो इथरनेट पे हमने डंपकैप की कमांड होती है, वहां से सर्च किया कि कौन से पैकेट आ रहे। तो वहां पे नीचे देखो फाइल, उसने पाथ बता दी कि ये पाथ के थ्रू आ रहे है और पैकेट कैप्चर्ड, मतलब कौन से पैकेट कैप्चर्ड हो रहे 3090, ये उसको पैकेट की ये दिखा देता है ठीक है, पैकेट्स का इंफॉर्मेशन तो वही दिखाया उसने। फिर हमने क्या किया, ये तो ठीक है, ये तो ब्लॉक देखने आ रहा है, और बाद में वो सूडो टी शार्क से, वो टी शार्क उसका ही पार्ट है लिपकैप वायर शार्क का, टी शार्क के हेल्प से जो ऊपर जहां पे वो स्नीफिंग कर रहा था ठीक है, टीएमपी के फाइल जहां पे पाथ में स्नीफिंग कर रहा था, वो पाथ को हमने सिर्फ टू सूडो टी शार्क के हेल्प से जो भी हमारा डेटा है वर्बोसली उसने सेलेक्ट किया, वो सारे ब्लॉक आईडी और आपने को जो डेटा था वो भी देखने को मिल गया, अनइंक्रिप्टेड था इसलिए वो मोशन वगैरह सब दिख रहा है ना आपको सामने, बस वही ये किया है बाकी कुछ नहीं। नेटवर्क लेयर पे डेटा चेक किया हमने अनसिक्योर कैसे, बस स्निफिंग टूल के हेल्प से ठीक है। अभी बाकी कल कंटिन्यू करेंगे ठीक है नेक्स्ट लैब में। स्टॉप कर दो स्क्रीन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू श्रीकांत भाई।